शहर में कोरोना वायरस को लेकर लगातार कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। जिले के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार भी कोरोना वायरस को लेकर सुकून से नहीं बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया था, जिसको लेकर जिला बुलंदशहर में प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है और जिले की जनता की भी बात करें तो जनता ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग दिया है। प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर जिले में जनता कर्फ्यू जैसा माहौल बनाया हुआ है और जनता से भी अनुरोध किया है कि आवश्यक कार्यों से घर से बाहर ना निकले। कोरोना वायरस को लेकर सियाना एसडीएम सुभाष सिंह के समाचार एक्सप्रेस न्यूज से खास बातचीत की, देखिए बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बुलंदशहर में, जहां शाना क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे कोरोना वायरस को लेकर शाना क्षेत्र में किस प्रकार सतर्कताएं बरती जा रही हैं और अधिकारियों को किस प्रकार के आदेश दिए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाना एसडीएम सुभाष सिंह, आइए जानते हैं उनसे कोरोना वायरस को लेकर किस प्रकार की सावधानियां बरती जा रही हैं। सर, शाना क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर किस प्रकार की सतर्कता है और अधिकारियों किस प्रकार के आदेश आपके द्वारा दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो कहीं, लोग अपने अपने घरों में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर रहें, और ये जो है परिवहन सेवाएं जो हैं वो बंद हैं, और जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं, राशन की दुकानें, फल सब्जी दूध दवाई, ये सब दुकानें खुली हैं, इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन दुकानों पर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया कि भीड़ एकत्रित ना हो। क्या सर, जैसे आज बाज़ार में भी कल भी बाज़ार बंद रहा था, आज भी बाज़ार बंद है जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार, तो किस प्रकार शाना में भी किस प्रकार बाज़ार में किस प्रकार बंदी देखी जा रही है? आवश्यक वस्तुओं को छोड़ के बाकी सब दुकानें बंद हैं, राशन की दुकानें खुली हुई हैं, सब्जी खुली हैं दुकानें, फल की दुकानें खुली हैं, दवा की दुकानें खुली हैं, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हैं, बाकी सब बंद हैं। ये थे हमारे साथ शाना एसडीएम सुभाष सिंह, जो अपनी कार्यशैली को लेकर, वैसे भी शाना क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो समाचार एक्सप्रेस द्वारा शाना एसडीएम के द्वारा बात की गई, तो कोरोना वायरस को लेकर सतर्कताएं बहुत ही सावधानी बरती जा रही हैं। कैमरामैन विकास त्यागी के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज बुलंदशहर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.